गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएन मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थर्ड क्वेश्चन और आपके फोर्थ क्वेश्चन किया था। ये वाला कौन सा है, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। ये कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। तो या तो इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा या हमें डिवीजन करना होगा। तो अब हम पता करते हैं कि इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे, तो 220 लीटर ऑयल कैन फिल अ ड्रम। एक ड्रम में कितना ऑयल आ सकता है, 220 लीटर। तो इसमें क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि 220 लीटर ऑयल जो है वो एक ड्रम भर सकता है। कितना ड्रम भर सकता है, एक ड्रम भर सकता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक ड्रम में कितना ऑयल आ रहा है, 220 लीटर ऑयल आ रहा है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, बिल्कुल। क्या कह रहा है, 220 लीटर ऑयल कैन फिल अ ड्रम। और ड्रम का मतलब होता है एक ड्रम। तो 220 लीटर मिलके एक ड्रम को भर रहे, तो एक ड्रम में कितना ऑयल आएगा, 220 लीटर ऑयल आएगा। फिर हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन सच 340 ड्रम्स। तो इस हमें बताना है कि 340 ड्रम्स में कितना ऑयल आएगा, कितना ऑयल आएगा। तो देखो, एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है। एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एक का देते हैं, ज्यादा का पूछा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे पूछा है, देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक ड्रम के अंदर 220 लीटर ऑयल भर सकते हैं, 220 लीटर ऑयल भर सकते हैं। फिर बोला हाउ मच ऑयल कैन बी फिल, और कितना ऑयल फिल हो सकता है, किसमें, 340 ड्रम में, 340 ड्रम्स में। और अगर 340 ड्रम्स है तो उसमें कितना ऑयल फिल हो सकता है, यही पूछा है हमसे। तो एक का दे रखा है, वन ड्रम बराबर 220 लीटर। एक ड्रम में कितना भरा हमने, 220 लीटर। तो 340 ड्रम्स में कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ड्रम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 340 को 220 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जीरो 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 को किसी से भी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो थ्री जा जीरो। फिर यहाँ पे जीरो के नीचे क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। जीरो के नीचे क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। अब देखो, टू को जीरो से किया तो जीरो, टू को फोर से किया तो टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस क्या आता है, क्रॉस आता है, और आगे भी क्या आता है, क्रॉस आता है, क्रॉस आता है ना, मैंने बताया था। अब देखो, एक नंबर के नीचे नंबर, नंबर के नीचे नंबर चल रहा है, तो इसी तरीके से आपको करना है। अब देखो यहाँ पे, टू जीरो जा जीरो, टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एडिशन करना है। एंड में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो देखो, जीरो जीरो एट, जीरो जीरो तो क्या आएगा, एट। एट और सिक्स कितने होते हैं, एट में सिक्स ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो गिनो, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। फोर्टीन का फोर और वन का आ गया कैरी में, तो सिक्स और वन कितने हो गए हमारे पास, सेवन। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 748 00, 748 00। तो 340 ड्रम्स में कितना कितना ऑयल आ सकता है, 74,800 लीटर ऑयल इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 678 रुपीज। एक चेयर की कॉस्ट दे दी हमें, क्या दी, एक चेयर की कॉस्ट, मतलब एक चेयर कितने रुपए की है, 678 रुपीज की है। एक चेयर कितने रुपए की है, 678 रुपीज की है। फिर पूछ लिया हमें कि ऐसी 296 चेयर अगर किसी को खरीदनी है तो वो कितने रुपए की होगी,
सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। क्या बोला, एक चेयर है आपके 678 रुपए की, ठीक है, तो 296 चेयर्स कितने रुपए की होगी, यही पूछा है हमसे। तो क्या कर देंगे, 678 को 296 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, क्योंकि एक का दे रखा है ज्यादा का पूछा है, एक का दे रखा होता है ज्यादा का पूछते, तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो आया आपको समझ में, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6। तो आज आपको क्या करने हैं, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तब तक आप ये काम अपना कंप्लीट नोटबुक में करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, थैंक यू।